सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु नियमावली बनाई गई है। काफ़ी डिटेल में ये नियमावली बनाई गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे। जो इसके मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में सबसे पहले दिया गया है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु विभागीय संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालयों को उपर्युक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। उक्त विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त वाले दिन कहा था, उसी के लिए विद्यालय स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किया जाना है। इससे राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ साथ CBSE, ICSE अथवा BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा, और उसी के लिए यह नियमावली बनाई जा रही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में सभी परिभाषाएं लिखी गई हैं जो नियमावली में यूज़ की जाती हैं। तो इसके मुख्य पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट के 13 पॉइंट पर जाते हैं, सब पॉइंट पर, और उसमें देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है। शिक्षक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक, इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। फिर अगले पेज पर देखते हैं, 14 पॉइंट में लिखा है प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक। इसके अलावा 18 पॉइंट महत्वपूर्ण है जहाँ लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 तक में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। फिर फोर्थ पॉइंट में संवर्ग का गठन दिया हुआ है जहां लिखा है शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का संवर्ग होगा, यह संवर्ग प्रमंडल स्तर का होगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। अब छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां लिखा गया है कि प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य का निवासी हो। नंबर 2, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएएड, बीएससीएड उत्तीर्ण होना। फोर्थ पॉइंट, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मालूम होता है, मतलब यहाँ पे TET परीक्षा की बात की जा रही है। अगले पॉइंट में अनुभव के बारे में दिया गया है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। इसके अलावा CBSE, ICSE, BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा।
या फिर CBSE, ICSE या BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। आयु की बात करते हैं तो पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। CBSE, ICSE अथवा BSEB से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। फिर आरक्षण का कॉलम दिया हुआ है जिसको आप पॉज करके अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया वाला 8 पॉइंट पढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नियुक्ति कैसे की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। तो यहाँ आयोग का मतलब बिहार लोक सेवा आयोग से किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन प्रपत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके सर पर उपलब्ध है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासन विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो परीक्षा की बात करें तो यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रखी गई है। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां परिवीक्षा अवधि, जिसे हम प्रोबेशन ड्यूरेशन कहते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। यानी चुने गए, नियुक्त किए गए प्रधानाध्यापकों को 2 वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा और यदि इस अवधि में वे संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। इसके साथ ही परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा वेद सांसिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद विभागीय परीक्षा का कॉलम दिया है जहां लिखा है कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय परीक्षा समिति, राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रशासन विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद संपुष्टि, फिर वरीयता सूची, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, फिर अनुशासनिक कार्यवाही आदि का कॉलम दिया है, फिर सेवा संबंधी शर्तें आदि दी हैं जिसमें वेतन आदि के बारे में बात की गई है, और 17 पॉइंट में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई है। पॉइंट नंबर 20 की तरफ चलते हैं जहाँ प्रकीर्ण एवं व्यावृत्ति के बारे में दिया हुआ है। यह नियमावली विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के आलोक में
माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय जो उक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए हैं उन पर प्रभावी माना जाएगा। प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का संवर्ग यथावत रहेगा, साथ ही इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षक होंगे। राज्यकृत उच्च माध्यमिक अथवा माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के वैसे पद जो प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति से भरे जाने के लिए चिन्हित थे पर पूर्व से प्रवृत्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नति दी जाएगी। उसके बाद बिहार राज्यपाल के आदेश से हस्ताक्षर संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी नियमावली के मेन पॉइंट्स जिसको हमने आपके सामने पूरा स्पष्ट तौर पर पढ़ दिया है। इसमें मेनली जो रहे मुख्य पॉइंट्स वह थे अर्हता और नियुक्ति प्रक्रिया के बिंदु, जिसको आप जूम करके अपनी स्क्रीन से दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त के लिए बनाई गई नई नियमावली। इसी तरह शिक्षक नियोजन एवं बिहार एसटीईटी से जुड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहली बात है कि बिहार के जो जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है वो काफी परेशान है, उनकी जो मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है और लगातार कॉल भी आ रहे हैं कि तीसरे चरण का टेस्ट जल्दी निकालिए।